नमस्ते। आओ आज अपन लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनाते हैं। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने लौकी को धो करके लिया है, फिर उसको साइड से ऐसे कट कर देंगे और इसे छील लेंगे। इसको अच्छे से छील करके फिर इसको कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से लौकी जितनी चाहिए अपने को उतना इसको किस लेंगे। किस करके छलनी में इसे डालेंगे अपन, और लौकी में बहुत पानी होता है ना, तो इसका जो भी जूस है वो सारा निकाल लेंगे। इसको दबा के निकालेंगे। फिर इस तरह से अगर ये पूरा ना निकले ना, तो इसको दोनों हाथों के बीच में लेकर के दबाएंगे ताकि उससे इससे पानी पूरा निकल जाता है। इस तरह से देखो नीचे से कितना पानी आ रहा है ना, इस तरह से अपन इसको पूरा पानी निकाल लेंगे। पूरा पानी निकाल करके इसे अपन एक बाउल में रखेंगे। इसी तरह से अपन सारी लौकी का पानी निकाल देंगे। देखो बहुत पानी निकलता है इसमें से, हेल्दी होता है ये। इसका ये तो जो जूस निकलता है ना, इसे मैं तो पी लेती हूँ, अच्छा भी होता है। ये देखो इतना सारा निकला है ना, इतने को वेस्ट क्यों करना, मैं तो पी लेती हूँ, आप भी पी लिया करें, हेल्दी होता है। और ये इस तरह से ये देखो एकदम सूखी सूखी सी लगेगी, मगर तब भी ये सूखी नहीं है, अभी भी इसमें बहुत पानी है। तो अपन इसमें क्या करेंगे कि 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन कम ही डालती हूँ है ना, 2 चम्मच बेसन डालेंगे। लौकी का बना रहे हैं तो लौकी होनी चाहिए ज्यादा। फिर 1 चम्मच धनिया डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच मिर्ची डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इसको हाथों से मिक्स करेंगे है ना, इसको इस मिक्स करेंगे। इसका जो पानी है ना उसी से ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अब अपन कढ़ाई में ऑयल गर्म करेंगे और इसके हाथों से अपन, इसमें थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च डाली है सॉरी, और फिर इसको वापस मिक्स करके इसको छोटे छोटे से अपन कोफ्ते बनाने के लिए हाथों से इस तरह से कर लेंगे। इसी तरह से अपन सारे बना लेंगे। जब तक तेल गर्म होता है अपन इनको बना लेते हैं। अब तेल गर्म हो गया तो 1 बाय 1 अपन इसमें डालते रहेंगे। इस तरह से डाल करके थोड़ी देर वेट करेंगे तो हो जाएगा ये, है ना। तब तक अपन साइड में ये होंगे, तब तक साइड में अपन और तैयारी कर लेते हैं। तो अपन थोड़े से प्याज काट लेते हैं, प्याज काट के रख लेंगे, और थोड़ा सा अपन लहसुन छील लेंगे। इस तरह की तैयारी कर लेंगे और इस तरह से अपन इसको सेट भी कर लेंगे। देखो ये हो गए ना। अब अपन टमाटर काट के जार में डालेंगे, थोड़ा दही डालेंगे, फिर हल्दी मिर्ची धनिया नमक और हरी मिर्ची ये सब डाल करके पीस लेंगे। तेल गर्म ही है, उसको थोड़ा कम किया, फिर उसमें जीरा डाला, फिर उसमें जो प्याज काट के रखे थे वो डाले, उसको थोड़ा सा भुनेंगे, लहसुन को कूट लेंगे। लहसुन को कूट के वो भी अपन इसी में डाल देंगे, दोनों साथ ही भुन जाएंगे है ना। लहसुन को भून लेंगे, फिर जो अपन ने ये बैटर पीस के तैयार किया है ना टमाटर और दही वाला, इसको अपन इस तरह से मिला लेंगे। मिला करके इसको भी अपन इसी में मिक्स कर देते हैं। इसको भी पूरा मिक्स करके अच्छे से ग्रेवी की तरह इसको अच्छा पका लेंगे अपन। इसको अच्छे से मिलाते हुए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये ना थोड़ा जल्दी जल्दी चिपक जाता है, तो इसे थोड़ा ज्यादा हिलाना पड़ता है ना, 2 मिनट से आप इसे हिला लेना। देखो ये अपनी बन करके ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। साइड से पूरा पूरा ऑयल निकलने लग गया ना, मतलब बन करके अपनी तैयार है। अब इसमें मैं 1 चम्मच के करीब नारियल का बूरा डाल रही हूँ, उससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने 1 चम्मच के करीब ये भी डाल दिया इसमें। फिर अपन इसमें डालते हैं कसूरी मेथी, इसकी खुशबू है ना बहुत अच्छी आती है, तो मैं कसूरी मेथी भी डाल दी है मैंने। ये भी मैंने 1 चम्मच के करीब डाली है, पर मैंने हाथ में लेकर के इसको पूरा मैश करके फिर डाला है ना। ये हो गया अब अच्छे से। अब इसमें अपन
पानी डालेंगे, पानी मैंने वो जार में जो बचा हुआ था ना पेस्ट, उसी में डाल करके वो उसको धोते हुए उसी का पानी मैंने ऐसे में डाल दिया है। अब जब ये पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तब तक अपन वेट करेंगे। इस तरह से ये पानी बॉईल हो गया, जब ये पूरा इस तरह से बॉईल हो जाए ना, तब अपन ने जो वो कोफ्ते निकाल के रखे हैं, जो कोफ्ते निकाल के रखे थे ना, वो भी अपन इसी के अंदर छोड़ देंगे। इस तरह से 2 से 3 मिनट अपन गैस में रखेंगे, फिर अपन गैस बंद कर देंगे। कोफ्ते है ना बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, तो अपन ज्यादा देर तक इसको चलाएंगे या इसको ज्यादा पकाएंगे ना, तो वो अंदर ही फूट जाएंगे। मैंने गैस बंद कर दी है, ये देखो इस तरह से ये बनी हुई है सब्जी। अब इसको अपन बाउल में ले लेते हैं, अपनी सब्जी बन के तैयार है। फिर ऊपर से धनिया डाल देंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। इस तरह की आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए वो जरूर बनाऊंगी। देखो कोफ्ते कितने सॉफ्ट हैं, खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट बने हुए हैं। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना।